लोकसभा चुनाव 2024 में अब जो सीटें ऐसी रह गई हैं जिस पे प्रमुख पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, उसमें से एक महत्वपूर्ण सीट है यूपी की कानपुर नगर सीट। और यहाँ पर गठबंधन के अगर प्रत्याशी को लेकर बात करें तो तकरीबन तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। जी हाँ, अगर हम कांग्रेस के सूत्रों की बात करें और जो चर्चाएं चल रही है, यहाँ तक कि जो स्थानीय कांग्रेस कमेटी है उसने इस बात पर मोहर भी लगा दी है कि इस बार गठबंधन से जो कानपुर नगर प्रत्याशी होंगे वो होंगे आलोक मिश्रा। आलोक मिश्रा कौन है? आलोक मिश्रा जो शिक्षा का व्यवसाय है उससे संबंधित हैं, काफ़ी पुराने कांग्रेसी हैं और दो बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और काफ़ी एक अच्छी पहट कांग्रेस के अंदर रखते हैं। यहाँ पर इस बात को लेकर कानपुर नगर में बहुत कयास लगाया जा रहा था कि आखिर यहाँ पर कौन से वर्ग से प्रत्याशी आएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच में गठबंधन है और इस गठबंधन की अगर हम बात करें तो कानपुर नगर सीट कांग्रेस को गई है। इस गठबंधन के तहत जो 17 सीटें कांग्रेस को मिली थी उसमें से एक कानपुर नगर सीट भी है। कानपुर नगर सीट मिलने के पीछे का कारण क्या था? कारण ये था कि अगर अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसको अगर देख लिया जाए तो सबसे ज़्यादा बार कानपुर नगर सीट से कांग्रेस ने अपनी विजय पताका फहराई है, उसके बाद बीजेपी ने। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आज तक इस सीट पर अपनी जीत दर्ज नहीं करा पाए हैं और शायद यही सबसे बड़ा कारण रहा कि ये सीट कांग्रेस के पास चली गई। जब से ये कांग्रेस के पास सीट गई थी तब से इस बात के लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार इस सीट पे कांग्रेस किसको अपना प्रत्याशी बनाएगी। कुछ प्रमुख नाम ज़रूर थे लेकिन लास्ट में फिल्टर होते होते जो तीन नाम बचे उसमें से एक नाम था अजय कपूर, दूसरा नाम था पवन गुप्ता और तीसरा नाम था आलोक मिश्रा। अजय कपूर ने कांग्रेस को छोड़ दिया, काफ़ी पुराने कद्दावर नेता थे, उसके बावजूद उन्होंने छोड़ दिया और छोड़ने के बाद वो भाजपा में चले गए। तब से लगातार इस बात के कयास फिर से लग रहे थे कि आखिर अब क्या होगा, क्योंकि अब दो ही प्रमुख नाम बचे थे और कांग्रेस की तरफ से ज़्यादा समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बात का लेकर बात उठ रही थी, मांग उठ रही थी कि अगर बीजेपी की तरफ से वैश्य प्रत्याशी आता है तो फिर गठबंधन की तरफ से ब्राह्मण प्रत्याशी होना चाहिए और अगर बीजेपी की तरफ से ब्राह्मण प्रत्याशी आता है तो फिर गठबंधन की तरफ से वैश्य प्रत्याशी होना चाहिए। और इसी वजह से एक तरफ पवन गुप्ता और दूसरी तरफ आलोक मिश्रा, इन्हीं दोनों का नाम रेस में लगातार चल रहा था लेकिन अभी तक बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की। उससे पहले ही गठबंधन ने अपने प्रत्याशी की घोषणा एक तरह से कर दी है, कांग्रेस के सूत्रों की माने तो वो सिर्फ अब एक औपचारिकता भर है और आलोक मिश्रा के नाम पर मोहर लग चुकी है। हालांकि जो आधिकारिक लिस्ट है कांग्रेस की वो अभी आनी बाकी है, उसके आने के बाद ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि हम जो बात आपको बता रहे हैं वो पूरी तरह से सही है। और अभी तक जो मौखिक बात हुई है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से तो उन्होंने भी इस बात पर मोहर लगाई है कि जो टिकट है वो आलोक मिश्रा को जाता है, यानी आलोक मिश्रा प्रत्याशी होंगे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी की तरफ से कौन सा प्रत्याशी आएगा, क्योंकि अब उसी पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर ये कानपुर नगर सीट की लड़ाई किसके बीच में होगी। कैमरामैन अनिल के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।